अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हूँ। चैप्टर 5 चल रहा है, फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.1। और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द फैक्टर्स मालूम करने हैं हमका। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 5.1। 4a की पावर 4 प्लस 625 की पावर d की पावर 4। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन में, अगर हमारे को दो टर्म्स दे जाती हैं और बीच में प्लस का निशान हो, तो इन दो टर्म्स का देखेंगे स्क्वायर रूट बनता है नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 टू 4, और a की पावर 4 का बनेगा a स्क्वायर। इसी तरह 625 का बनेगा 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर दो टर्म्स है फैक्टराइजेशन देखते हैं, सबसे पहले हम टर्म्स गिनती करते हैं कितनी टर्म्स। अगर दो टर्म्स है और दोनों का स्क्वायर रूट बन रहा है, यानी कि जैसे 4a की पावर 4, 4a की पावर 4 क्या बनेगा स्क्वायर रूट इसका, 2 टू 4, और 2a के स्क्वायर के ऊपर अगर मैं होल स्क्वायर लगा दूं, तो 2 को 2 मतलब मल्टीप्लाई करूंगा 2 4 हो जाएगा, और a स्क्वायर यानी कि a पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वही चीज आ जाएगी, और अंडर रूट अगर यानी कि 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, सही ना। तो ये अब इसका हम a किसके बराबर लेंगे, a बराबर लेंगे 2a स्क्वायर का, यानी कि इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और उसके बाद दूसरी टर्म क्या है इसको हम b के बराबर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, यहां पे देखें 625 b की पावर 4। 625 को हम कैलकुलेटर पे अगर अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, और b की पावर 4 का हम इसकी जो वेरिएबल है इसकी एक्सपोनेंट को हम हाफ कर देंगे, 4 का आधा 2 होता है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, यानी 25 को अगर हम दो मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 बन जाएगा, और b स्क्वायर है 2 2 4, वही चीज बन जाएगी। तो 625 b की पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या बना हमारे पास, 25 b स्क्वायर, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, वेरिएबल का जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वेरिएबल a की पावर 4 है, उस एक्सपोनेंट को हम आधा कर देंगे तो 2 हो जाएगी। तो इस तरह वेरिएबल का स्क्वायर रूट आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 625 का स्क्वायर रूट 25 आ गया, b की पावर 4 का स्क्वायर रूट 4 आधा कर देंगे 2 हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो अब हम a को हमने बराबर ले लिया 2a स्क्वायर के, और b को किसके बराबर लेंगे, 25b स्क्वायर के। ये हमने भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट मालूम कर लिया, और सेकंड टर्म का भी, और a और b के बराबर ले लिया। अब हम एक बॉक्स बना देंगे, बॉक्स बनाने के बाद हम फॉर्मूले की हेडिंग डालेंगे। यहां फॉर्मूला एक्चुअली इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हम समझाने के लिए इसको फॉर्मूले के एक डायग्राम दे रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। हम इसके अंदर वैल्यूज पुट अप कर देंगे a और b की बॉक्स से देखकर, ठीक है। तो यहां पर हम अभी वैल्यू पुट अप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे हैं, उसका होल स्क्वायर लगा रहे हैं, यानी कि a का स्क्वायर यहां डाल देंगे, a की वैल्यू बॉक्स से देख के 2a स्क्वायर यहां पुट अप कर देंगे, तो प्लस आया। फिर b की हमने अभी वैल्यू पुट अप नहीं की, ब्रैकेट बनाई और होल स्क्वायर इसका लगा दिया, b की वैल्यू हम बॉक्स से पुट अप कर देंगे 25b स्क्वायर यहां पे। फिर प्लस से फॉर्म लेगा, प्लस ये 2 है, a और b 2ab तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने a और b की वैल्यू ब्रैकेट में पुट अप कर देनी है, बॉक्स से देख के a इसके बराबर है और b इसके बराबर है, यहां की वैल्यू पुट अप कर देंगे। फिर माइनस से माइनस लगा दिया, फिर 2ab दोबारा है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ब्रैकेट की सूरत में इसको लिख रहे हैं यहां पर, ओके। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट अप कर देंगे, a a किसके बराबर है 2a स्क्वायर के, तो इस a की जगह हम 2a स्क्वायर लिख देंगे यहां पे, और b की जगह लिखेंगे b बराबर है 25b स्क्वायर के, तो इसकी जगह हम 25b स्क्वायर लिखेंगे। यहां पे a किसके बराबर है 2a स्क्वायर के, a की जगह हमने 2a स्क्वायर लिख दिया, और b किसके बराबर है 25b स्क्वायर के, इसकी जगह हमने 25b स्क्वायर लिख दिया। तो यहां भी यही चीज, यही वैल्यू प्लस 2ab, यही ab वाली वैल्यू यहां पुट अप हो जाएगी 2a स्क्वायर और 25b स्क्वायर। अभी मैं ऊपर का इरेज करता हूं, मिटाता हूं उसको,
ये देखिए ये 2a² इसको हम ऊपर इसी स्टेप को ऊपर उतार रहा हूं, 2a² का होल स्क्वायर प्लस 25b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये वाला प्लस 2ab लिख रहा हूं यहां पे, 2a² इनटू 25b², इसके बाद ये माइनस 2ab यहां लिख रहा हूं, 2a² और ये 25b². अब हम क्या करेंगे, यहां एक ब्रेसिस बना देंगे, यानी एक कूली ब्रैकेट इस फर्स्ट टर्म को याद आ दिया, और यहां भी हम एक ब्रेसिस बना देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम ये इस चीज को इसी तरह उतार देंगे फिलहाल, 2a² का होल स्क्वायर और ये प्लस 2ab जो है इसको हम यहां सेंटर में ले आएंगे और ये इसको हम लास्ट में कर देंगे, ताकि हमारे पास इस ब्रेसिस के अंदर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं। तो ये प्लस 25b² ये लास्ट में कर देता हूं, और बीच में आ जाएगा प्लस 2ab, और ये माइनस 2ab इसी तरह चलता रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 to the 4, और 25 4 से क्या होता है 100, a² b² ये इसी तरह उतर जाएगा, यानी कि तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 a² b² आ गया। अब हम अगला स्टेप बनाया, कॉपी के पेन खाली छोड़ दीजिएगा, ये समझने के लिए a² है ये प्लस 2ab प्लस b², और a² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है, a + b के होल स्क्वायर के, यानी कि बीच वाला 2ab गायब हो जाएगा जब इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो ये a² यानी कि a + b इसका होल स्क्वायर, तो ये पूरा ब्रैकेट शॉर्ट होकर इतना हो जाएगा, कि ये a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये ब्रैकेट में फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, अगर छोटी होगी इतनी हो जाएगी, बीच का 2ab इसमें से गायब हो जाएगा, यानी कि ये चीज गायब हो जाएगी, और अब ये चीज उतारेंगे माइनस 100 a² b² को इस तरह लिख सकते हैं हम, 10ab का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, जो 10 को दो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, इस पे एक्सपोनेंट बने 1, तो 2 into 2 a² b² बन जाएगी ये चीज, ठीक है, अब ब्रेसिस की जरूरत नहीं है। अब यहां देखें ये a² - b² का इस पे फॉर्मूला लग रहा है दोबारा, क्या a² - b² का, और a² - b² किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, a - b और a + b के बराबर होता है, यानी कि अगर मैं इस पूरी टर्म को a के बराबर ले लूं, इस पूरी टर्म को a के बराबर ले लूं, 2a² प्लस 25b² को a के बराबर ले लूं, और 10ab को मैं इसको b के बराबर ले लूं, और इसको बॉक्स में बंद कर दे दोबारा, तो a² - b² किसके बराबर होता है, a - b और a + b के, ठीक है। अब हम यहां पर a - b a + b की वैल्यूज बॉक्स से पुट अप कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, a इस a की जगह 2a² प्लस 25b² फॉर्मूले का माइनस माइनस b की जगह लिखूंगा 10ab, ये a ब्रैकेट हो गई। अब अगली ब्रैकेट है a + b, यहां पर a की जगह लिखूंगा, a बराबर है 2a² प्लस 25b², ये जो लिखूंगा 2a² प्लस 25b² इस a की जगह, फॉर्मूले का प्लस है तो आपने प्लस लगा दिया, और b किसके बराबर है, b बराबर है 10ab के, तो 10ab इस b की जगह यहां पे लिख दूंगा, और यही हमारा आंसर है, ओके, क्योंकि a² - b² का इस पे फार्मूला लगा, a² - b² बराबर a - b a + b के, तो हमने ये
ए की वैल्यू ही बॉक्स से देख के पुट अप की, बी की वैल्यू को बॉक्स से देख के पुट अप किया, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके लेट्स क्लोज इट।